नमस्कार, आप सभी का स्वागत है निरोगम में। आपके साथ मैं हूँ भावना प्रसाद। आज हम चर्चा करने वाले हैं लिवर सिरोसिस को लेकर। लिवर एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। अगर आपका लिवर खराब हो जाए तब क्या हो? एक महत्वपूर्ण अंग अगर कार्य करना बंद कर दे तो बाकी जो शरीर के अंग होते हैं उस पर तो उसका असर पड़ता ही है। आपके मानसिक तौर पर आप अस्वस्थ हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके शरीर में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे में बेहद जरूरी होता है कि समय रहते आप इस तरह की समस्याओं का गंभीरता से उपचार कराएं, और सही उपचार बेहद जरूरी होता है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं लिवर सिरोसिस को लेकर, और अधिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे विश्व आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर नवदीप शर्मा जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, लिवर बहुत महत्वपूर्ण अंग है। खाना हमारा इसी से पचता है, अन्य चीजें भी जो है इसी से सर्कुलेट होती हैं। अगर यही खराब हो जाए तो व्यक्ति का जीवन जो है वो किसी कठिनाई वक्त ही व्यतीत होता है। तो लिवर सिरोसिस क्या होता है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो लिवर है वो सबसे मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का। हम चाहे भोजन कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का औषध का सेवन कर रहे हैं, इन सभी का जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर के अंदर होता है। अब अगर हम लीवर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर हम एक गाड़ी की बात करें तो जिस प्रकार से कार के इंजन की जो वैल्यू है वो कार में सबसे अधिक है, इसी प्रकार से लीवर हमारे शरीर का इंजन है, उसकी वैल्यू शरीर में सबसे अधिक है। कोई भी प्रक्रिया हमारे शरीर में हो रही है, कहीं ना कहीं वो लीवर से जुड़ी हुई है। लीवर एक, जब हम लीवर की बात कर रहे हैं, इसके सिरोसिस की बात कर रहे हैं, तो फाइब्रस टिश्यू जब लीवर के लिविंग सेल्स को रिप्लेस करने लग जाता है तो उस डिजीज़ को लिवर सिरोसिस बोलते हैं। देखिए, लिवर कुदरत ने हमें एक ऐसा ऑर्गन दिया है जो 2/3 भी खराब हो जाए तो अपने आप को खुद रिपेयर कर लेता है। इसमें ऑटो रीजेनरेटिव कैपेसिटीज बहुत अधिक होती हैं, परंतु जब ये 2/3 से अधिक खराब हो जाता है और सेल्स की जगह पे, हेपेटोसाइट्स की जगह पे फाइब्रस टिश्यू वहाँ आने लगता है तो उस डिजीज़ को लिवर सिरोसिस बोलते हैं, और तब ये अपने आप को खुद से रिपेयर करने में असमर्थ हो जाता है और कई प्रकार के जो लक्षण है वो उत्पन्न होने लगते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, लक्षणों के बारे में हम चर्चा ही करने वाले थे कि किस तरह के लक्षण एक व्यक्ति को प्रारंभिक लक्षण देखने को मिलते हैं कि वो ये जान पाए कि भाई अब उसको लिवर सिरोसिस हो गया है। देखिए, लिवर सिरोसिस अपनी प्रारंभिक अवस्था में बहुत अधिक लक्षण तो नहीं देता है, लेकिन हाँ, इंडाइजेशन रहना, पेशेंट को इचिंग होने लगना। कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि इचिंग हो रही है, स्किन की एलर्जी है, लेकिन खास तौर पे लेग्स पे कंसिस्टेंटली अगर इचिंग रह रही है व्यक्ति के और उसको कोई और मेजर रीजन उसका नजर नहीं आ रहा तो वो लिवर सिरोसिस के कारण भी हो सकती है। इसके अलावा पैरों में हल्की सी स्वेलिंग का रहना, और एडवांस स्टेजेस जो लिवर सिरोसिस में है उसमें तो पेशेंट के पेट में पानी इकट्ठा होने लग जाता है, जिसे एसाइटिस बोलते हैं। तब तक ये डिजीज पूरी तरह से समझ में आ चुका होता है। तो ये कुछ मेजर रीजन लक्षण है जो कि लिवर सिरोसिस के हैं। तो दर्शकों, अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है, लिवर सिरोसिस की वजह से आपका जीवन दुभर हो गया है, तो सतर्क हो जाएं। सही समाधान, सटीक आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से आप इसे दूर कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। तो बेहद जरूरी हो जाता है कि आप धैर्य रखें, उन आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें जिनके माध्यम से आपके रोग हैं वो ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, लक्षण की बात करी आपने, क्या है लिवर सिरोसिस ये भी बताया, तो क्या कारण होते हैं? क्योंकि खानपान तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करता ही है लिवर को, लेकिन और भी ऐसे बहुत से कारण होंगे जिसकी वजह से एक व्यक्ति लिवर सिरोसिस का शिकार हो जाता है। जी बिल्कुल, मिथ्या आहार और मिथ्या विहार, ये दोनों मुख्य लक्षण कारण है जो लिवर सिरोसिस की तरफ प्रोसीड कराते हैं। अब ये मिथ्या आहार क्या है? देखिए, मिथ्या आहार अर्थात वो आहार जो शरीर के लिए लाभकारी नहीं है, नुकसानदायक है। मिथ्या आहार में सबसे पहले आ जाता है अल्कोहल का यूजेज करना। मेजोरिटी पेशेंट्स जो लिवर सिरोसिस के आते हैं उनमें मेजोरिटी पेशेंट्स ने अल्कोहल कंजम्पशन अधिक मात्रा में देखी जाती है, तो अल्कोहल कंजम्पशन से बचना चाहिए अगर हम लिवर सिरोसिस जैसे गंभीर रोग से बचना चाहते हैं। दूसरा मेजर कारण आ जाता है वायरल हेपेटाइटिस। सभी प्रकार के हेपेटाइटिस धीरे धीरे करके जब वायरस लिवर पे अटैक कर देता है तो लिवर सिरोसिस में चेंज हो सकते हैं, तो वायरल हेपेटाइटिस भी एक कारण होता है लिवर सिरोसिस का। थर्डली, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर सिरोसिस। किसी भी प्रकार की ऐसी एलोपैथिक औषध जो लंबे समय के लिए सेवन की जाए, जो लिवर के लिए हानिकारक हो,
जब उसका इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत बार वो भी लिवर सिरोसिस का एक कारण बनती है। इन कारणों के अलावा मिथ्या लाइफस्टाइल की बात करें, मिथ्या विहार, अब अगर हम सिडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल में खास तौर पे खाना खाने के बाद के लाइफस्टाइल की बात करते हैं। देखिए, शास्त्रों में साफ तौर पे कहा गया है कि जब आप भोजन करें, भोजन करने के बाद 100 कदम अवश्य चलें, और 100 कदम चलने के बाद वाम पार्श्व का अर्थात मतलब है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आकर के लेटें। हम जनरली ऐसा नहीं करते हैं, खाना खाया जाता है टीवी के सामने बैठ करके, और खाना खाने के बाद कुछ समय के बाद व्यक्ति सो जाता है। सोने के समय भी जनरली हम सीधी मुद्रा में लेटते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम बड़े कम लेटते हैं। ये मिथ्या विहार है। अगर हम इस प्रकार का लाइफस्टाइल जीते हैं तो ये सारे के सारे कारण, मिथ्या आहार और मिथ्या विहार, मिल करके पेशेंट को लिवर सिरोसिस की तरफ प्रोसीड करवा देते हैं। जी तो दर्शकों, ये जो लगातार लंबे समय से आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर अगर आप लंबे समय के आदि हो चुके हैं, लंबे समय से उन दवाइयों के आदि हो चुके हैं, तो बेहद जरूरी है कि आप सतर्क हो जाएं। एक बार आप अपना टेस्ट, अपना जो हमेशा का चेकअप होता है, जो आपका ईयरली चेकअप होता है, वो जरूर कराएं, क्योंकि बहुत से ऐसे गंभीर रोग हैं जो प्रारंभिक अवस्था में आपको पता नहीं चलते हैं, वो धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए बेहद जरूरी होता है कि आप अपने रेगुलर चेकअप के माध्यम से उन परेशानियों को, उन रोगों को दूर कर सकें। डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं जम्मू से। जी, आपका स्वागत है, बताएं अपनी प्रॉब्लम। नमस्कार जी। नमस्कार ओम प्रकाश जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मुझे कुछ टाइम से सर लीवर की दिक्कत आ रही है जी, और मेरा थोड़ा हैबिट भी कि ड्रिंक भी मतलब हम हफ्ते में मतलब 3-4 दिन से करता है, तो उसको भी मतलब आपको समझाना चाहूंगा कि अगर हो सके तो आप ड्रिंक को अवॉइड कीजिए, ये एक अच्छी आदत नहीं है। और जहां तक आपने ये सवाल किया कि क्या कोई ऐसी औषध है जो आपको घर बैठे ही जिससे आप चिकित्सा करा सकें, बिल्कुल, लिवर सिरोसिस के केस में हमने अपने R&D विंग के थ्रू एक मेडिसिन तैयार करवाई है जिसका नाम है यकृत निरोगम। यकृत नाम है लिवर का ही आयुर्वेद में, संस्कृत नाम यकृत है। अब इस औषध में हमने कुछ ऐसी हर्ब्स का यूजेज करवाया है जो व्यक्ति के लिवर सिरोसिस में, और अगर लिवर सिरोसिस नहीं है, वो अपने व्यक्ति लिवर को हेल्दी रखना चाहता है, तो उस केस में भी बहुत लाभ करती हैं, जिनमें से कुछ हर्ब्स जो कॉमनली अवेलेबल हैं, जो मैं चाहूँगा कि आप लोग वैसे भी सेवन कर सकते हैं, वो है भृंगराज। भृंगराज, जिसको कि एक्लिप्टा एल्बा भी कहा जाता है, एक कॉमन हर्ब है जो आम तौर पे सड़कों के किनारे पे, पार्क्स में साइड पे उग जाती है अपने आप से। भृंगराज को पीस करके अगर इसके रस का सेवन किया जाए तो लिवर सिरोसिस में और लिवर को हेल्दी रखने में बड़ी अच्छी औषध है। दूसरी मेडिसिन कालमेघ। कालमेघ भी एक हर्ब है जो लिवर के लिए बहुत अच्छी है, इसका यूजेज किया जा सकता है, कालमेघ का पाउडर लिया जा सकता है। थर्ड आ जाती है कुटकी। कुटकी चाहे वो जॉन्डिस है, चाहे वो लिवर सिरोसिस है, या वायरल हेपेटाइटिस है, या लिवर में आने वाली किसी भी प्रकार की तकलीफ है, उनके लिए एक रामबाण औषध का काम करती है। इनके साथ साथ वंशलोचन। वंशलोचन जो है वो बांस के वृक्षों में से निर्यास के तौर पे प्राप्त होता है। वंशलोचन का इस्तेमाल करने से भी लिवर सिरोसिस में बहुत लाभ होता है। तो ऐसी ही अन्य अन्य दिव्य औषधियों का इस्तेमाल करके यकृत निरोगम जो है हमने बनाई है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट वही रहेगी कि प्लीज आप जो अल्कोहल यूजेज कर रहे हैं इसको कुछ घटाइए। जी बिल्कुल दर्शकों, यकृत निरोगम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको यही सलाह देंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल करने से पहले आप विशेषज्ञों से बात करें, डॉक्टर से बात करें, सलाह लें, और उसके बाद इस औषधि का आप सेवन करेंगे तो निसंदेह आपके जो रोग हैं, जो लिवर में आपकी परेशानी है, वो दूर हो सकती है। प्रकृति में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनके माध्यम से आपके शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है, उनका सेवन आप कर सकते हैं। संस्थान से आप जुड़ सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आगे बढ़े, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं, राहुल जी हैं बिहार से। जी राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी। जी सर, मुझे पूछना था, मेरे मौसा जी हैं, उनके बहुत समय से वो शराब का जो है सेवन बहुत ज्यादा करते हैं जी। और इस वजह से काफी बीमार रहते हैं पिछले काफी समय से, और सबसे ज्यादा जो उन्हें प्रॉब्लम आती है वो इस चीज की है कि तो बिल्कुल उनका शरीर जो है सूख चुका है, और डॉक्टर से काफी चेकअप करवाया है और फिर भी इम्प्रूवमेंट कोई नजर नहीं आता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट से हमें कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आया है। आयुर्वेदिक में क्या ऐसा कुछ ट्रीटमेंट है जो उनको दे सके तो उनमें कुछ सुधार आए? बिल्कुल, आयुर्वेद में इस कंडीशन का पूरी तरह से उपचार संभव है, लेकिन मैं आपको कुछ भी बताऊं उससे पहले, जैसा कि आपने बताया कि आप मल्टीपल इलाज करवा चुके हैं, हम चाहेंगे कि आप उनकी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे डॉक्टर्स उन रिपोर्ट्स को अच्छे से देख लें, ये निर्धारित कर लें कि रोग क्या है और फिर उपचार शुरू करें। इसमें ऐसे पेशेंट्स का इलाज हम दो प्रकार से कर सकते हैं, आप चाहें तो घर बैठे उनका इलाज करवा सकते हैं, आप चाहें तो हमारे पंचकर्मा संस्थान जो कि भारत में और विश्व में अलग अलग जगह पे हैं, वहां पर के उनको ला करके हमारे पास रख करके पंचकर्मा और औषधियां दोनों के माध्यम से उनका इलाज करवा सकते हैं। इसमें जैसा कि आपने बताया कि वो अल्कोहल अधिक लेते हैं, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि उनका जो लिवर है उसमें सिरोसिस होगा या फैटी लिवर होगा, लिवर माल फंक्शनिंग कर रहा होगा। हम अपने इलाज से उस लिवर को सक्षम बनाएंगे और धीरे धीरे करते करते जब लीवर बढ़िया काम करने लगेगा तो उनका खाया पिया भी उनको लगने लग जाएगा। आज जो उनकी बॉडी में हाइपोप्रोटीनीमिया एक ऐसी अवस्था है जो जनरली लीवर सिरोसिस पेशेंट्स में आ जाती है, क्योंकि होता क्या है, एल्ब्यूमिन जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन है हमारी बॉडी के लिए, जब लीवर सिरोसिस हो जाता है तो शरीर में एल्ब्यूमिन की मात्रा घटने लगती है। यही एक कारण है कि धीरे धीरे करके व्यक्ति के शरीर में पेट में पानी इकट्ठा होने लगता है, जिससे एसाइटिस भी डेवलप हो जाता है। हो सकता है कभी किसी स्टेज पे इनके केस में भी पेट में पानी भी इकट्ठा हुआ हो जो डॉक्टर्स को आगे निकालना पड़ा हो टैपिंग के द्वारा। तो ऐसी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लिवर सिरोसिस पेशेंट्स को आने लगती हैं। हम चाहेंगे कि आप इनकी रिपोर्ट्स हमें फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन रिपोर्ट्स का अध्ययन करके हम इनका बेहतर इलाज कर सकें। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया लिवर खुद को रिपेयर करने की क्षमता रखता है, लिवर की प्रॉब्लम तभी आएगी जब लिवर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, तो क्या लिवर की जो प्रॉब्लम है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए लिवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब अगर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग ही 2/3 से अधिक खराब हो जाएगा, तो खास तौर पे अगर हम एलोपैथिक आयुर्विज्ञान की बात करते हैं तो उसका कोई इलाज संभव नहीं है। यही रीजन है कि लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स अगर एलोपैथिक इलाज ले रहे हैं तो लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा जो उनका लाइफ स्पैन रह जाता है वो 5 साल तक का रहता है। मेजोरिटी पेशेंट्स केवल 5 साल तक की आयु ही जी पाते हैं लिवर सिरोसिस के एलोपैथिक में ट्रीटमेंट सिस्टम में, उससे अच्छा इलाज कोई नहीं है। हाँ, ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी चीज़ है जो भी स्टार्ट की गई है, जो भी सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है, कुछ लोगों में अच्छा काम करती है। वहीं आयुर्वेद में क्योंकि हम सारे का सारा चिकित्सा जठराग्नि से स्टार्ट करते हैं, धात्वाग्नियों से स्टार्ट करते हैं, तो लिवर पे काम करने वाली जो औषधियां हैं बड़ी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। तो यही कारण है कि लिवर सिरोसिस और लिवर से होने वाले विभिन्न रोगों में आयुर्वेदिक उपचार से रिकवरी बहुत क्विक मिलती है। पेशेंट के SGOT, SGPT, एल्कलाइन फॉस्फेटेज और अन्य प्रकार के जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं जो डीरेंज्ड होते हैं, पेशेंट बड़ी जल्दी देख पाता है कि वो जो टेस्ट है वो रिकवर कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब, एलोपैथ के अंदर बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनका अगर ट्रीटमेंट व्यक्ति कराता है तो उसको ताउम्र दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं होती, ज्यों की त्यों जो स्थिति होती है वही बरकरार रहती है। क्या आयुर्वेद के माध्यम से अगर व्यक्ति ट्रीटमेंट लेता है तो जो बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है? जी देखिए, हम लिवर सिरोसिस की बात कर रहे हैं अभी। अगर हम लिवर सिरोसिस की बात करते हैं, अगर पेशेंट बहुत एडवांस स्टेजेस में नहीं है लिवर सिरोसिस के, तो जनरली आयुर्वेदिक मेडिसिंस के साथ उसका लिवर इस लेवल तक रिपेयर जरूर हो जाता है कि वो आगे आयुर्वेदिक उपचार बंद कर सके। उसे केवल एक अच्छी जीवन शैली व्यतीत करनी पड़ती है। अगर मैं डाइट की बात करूं, जब हम अपनी मेडिसिंस बंद कर देते हैं एक पेशेंट को रिकवर करवाने के बाद, तब भी हम उस व्यक्ति से जो लिवर सिरोसिस से जूझ चुका है ये चाहेंगे कि वो हमारी बताई गई जीवन शैली का इस्तेमाल जरूर करे। अब ये नहीं होना चाहिए कि एक पेशेंट का लीवर एक बार ठीक कर दिया गया है वो दोबारा से अल्कोहल का सेवन शुरू कर दे।
तो ऐसी एक्सट्रीम खराब करने वाली लीवर को डाइट अगर पेशेंट सेवन नहीं करता है तो एक बार इलाज करवाने के बाद पेशेंट को औषधियां लेने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो एक स्वस्थ जीवन का यापन कर सकता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसको बिना किसी शल्य चिकित्सा यानी कि बिना किसी सर्जरी के माध्यम से आयुर्वेद ठीक कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रहकर और यम और नियम का पालन करके ट्रीटमेंट लेना होता है और सही संस्थान से ट्रीटमेंट लेना बेहद जरूरी हो जाता है। सही चिकित्सक के मार्गदर्शन में वो ट्रीटमेंट लेना बेहद जरूरी हो जाता है और वो आप एनडी केयर निरोगम संस्थान से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।